हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में कुतुब मीनार, हम्बोल्ट, पेंगुइन और ला पाल्मा द्वीप के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे। कुतुब मीनार की बात करें तो यह हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इससे पहले कुतुब मीनार में जो विकलांग और बुजुर्ग लोग होते थे उन्हें इसकी जो खड़ी सीढ़ियाँ हैं उन पर चढ़ने में चुनौती का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब विकलांग और बुजुर्ग लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे लकड़ी के ढलवा मार्ग बनाए गए हैं, जिसकी वजह से कुतुब मीनार हाल ही में चर्चा में रहा। इसके अलावा कुतुब मीनार के साथ साथ दिल्ली के जो दो स्थल और हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारक सूची में शामिल है, जिसमें से हुमायूं का मकबरा हो गया और लाल किला। नेक्स्ट हम कुतुब मीनार के बारे में बात करेंगे। कुतुब मीनार की बात करें तो यह एक 5 मंजिला मीनार है जो कि सैंड स्टोन से मिलकर बनी हुई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य राजपूत शासकों को हराकर अंतिम जीत के उपलक्ष्य में इसको बनाना था। इसके अलावा यह एक टावर के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें से मुअज्जिन नमाजियों को अजान देकर पास के कुवत इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया जाता है। इसके साथ साथ मस्जिद के प्रांगण में 7 मीटर ऊंचे लोहे का खंभा है। इसके अलावा इसके आसपास अलाई दरवाजा गेट है, जो कि इंडो मुस्लिम कला की उत्कृष्ट कृति है, जिसका निर्माण 1311 में किया गया था। कुतुब मीनार की के निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण में लगभग 75 वर्ष लगे। इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जबकि इसे पूरा करने में इल्तुतमिश का योगदान रहा। इसके साथ साथ 1368 में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत की। इसके अलावा जो कुतुब मीनार है उसके सरफेस पे मुख्य रूप से कुरान के छंदों से महीन अरबी सजावट की गई है। इसके साथ साथ कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल श्रेणी में 1993 में शामिल किया गया। नेक्स्ट हम हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पिक्चर में हम्बोल्ट पेंगुइन को देख सकते हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन्स को शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से ये हाल ही में चर्चा में रहे। हम्बोल्ट पेंगुइन की बात करें तो ये एक मध्यम आकार की प्रजाति होती है, जिसकी एवरेज हाइट 2 फीट तक होती है। इसके साथ साथ इनकी आंखों के चारों ओर बड़े पैंच होते हैं, जो कि इन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रजनन के मौसम की बात करें तो वो मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर हो सकता है। इसके अलावा गर्म जलवायु का सामना करने की क्षमता के कारण ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट हम हम्बोल्ट पेंगुइन के पर्यावास के बारे में बात करेंगे। हम्बोल्ट पेंगुइन की बात करें तो ये चिली और पेरू के प्रशांत तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, और इनका ये हम्बोल्ट पेंगुइन नाम इनके हम्बोल्ट करंट के पास रहने की वजह से पड़ा है। इसके अलावा इनके लिए खतरे की बात करें तो मछली पकड़ने के जाल में उलझना इनके लिए खतरा है। इसके साथ साथ प्रमुख प्रजनन स्थलों का नुकसान, इसके अलावा उर्वरक के रूप में उपयोग हेतु गुआनों की कटाई और बिल्ली कुत्तों जैसी प्रजातियों द्वारा इनका शिकार इनके लिए खतरा है। नेक्स्ट हम ला पाल्मा द्वीप के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। ला पाल्मा द्वीप की बात करें तो यह स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में एग्जिस्ट करता है, और ला पाल्मा द्वीप में स्थित कम्बरे पिएजा ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। यह विस्फोट 50 वर्षों में पहली बार देखने को मिला है, और आखिरी विस्फोट यहाँ पे 1971 में देखने को मिला था। ला पाल्मा कैनरी द्वीप की बात करें तो ला पाल्मा कैनरी द्वीप स्पेन का सबसे उत्तर पश्चिमी द्वीप है। इसके भौगोलिक संरचना की बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, और इसका क्षेत्रफल 708 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे 8 मुख्य कैनरी द्वीपों में से 5वां सबसे बड़ा द्वीप बनाता है। इसके साथ साथ इसका सबसे ऊंचा पर्वत रोके डे लॉस मुचाचोस है, जिसकी हाइट 2423 मीटर है। नेक्स्ट कैनरी द्वीप समूह के बारे में हम बात करेंगे। कैनरी द्वीप समूह की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित महासागरीय द्वीप ज्वालामुखियों का एक समूह है, जिसका निर्माण 20 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण माना जाता है। इसमें लास पाल्मास, सांता क्रूज डी टेनिफर के स्पेनिश प्रांत शामिल हैं। इसके अलावा हम
हाल ही में जिन ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले किलाओवा ज्वालामुखी जो कि हवाई में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फुकुतोकु ओकानोवा जो कि ज्वालामुखी जो कि जापान में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ सांगे ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में एग्जिस्ट करता है और माउंट सिनाबंग मेरापी ज्वालामुखी और सेमेरू ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है। इन सभी ज्वालामुखियों में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला है। नेक्स्ट हम भारत के ज्वालामुखियों के बारे में बात करेंगे जो कि भारत में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे पहले बैरन द्वीप जो कि अंडमान द्वीप समूह में एग्जिस्ट करता है और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा नारकोंडम जो कि अंडमान द्वीप में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बारातांग अंडमान द्वीप में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ डेक्कन ट्रैप्स जो कि महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ दिनोदर हिल्स गुजरात और धोसी हिल हरियाणा में एग्जिस्ट करता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।